नमस्कार, बॉन लाइफ आर्टिफिशियल लिम सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंभू कुमार यादव, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक कंसल्टेंट, आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण फुट जो कि ट्राई एक्जियल मूवमेंट, जो कि हमारे नेचुरल फुट के साथ उसकी कॉम्पेटेबिलिटी मिलती जुलती है, नेचुरल फुट के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, जो कि आपको शो इंसर्ट करने में, स्टेबिलिटी में और फुट की जैसे नीचे की मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट, लेफ्ट एंड राइट, ये चारों मूवमेंट आपको इस फुट की मदद से मिल जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा है कि इसमें स्ट्राइड कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। ये जो है ट्रिब्यूट फुट है, जो कि पहले कॉलेज पार्क इंडस्ट्री बनाती थी, अब जो है ये ऑशर, कॉलेज पार्क को जो है टेक ओवर ऑशर ने किया है, तो ये ऑशर की ब्रांड में आया है ट्रिब्यूट फुट। इसमें ये जो आगे की बम्पर होती है और ये पीछे की बम्पर होती है, यहाँ पर एडजस्टमेंट होती है, इससे आप जो है डॉर्सी और प्लांटर फ्लेक्शन, यहाँ पर प्लस माइनस आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, तो यहाँ से डॉर्सिफ्लेक्शन मतलब ऊपर की मूवमेंट, फुट की जो ऊपर की तरह मूवमेंट होती है, और नीचे की जो मूवमेंट होती है प्लांटर फ्लेक्शन, उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो है इन्वर्जन और इवर्जन मतलब लेफ्ट और राइट, ये जो होते हैं इसमें यहाँ पे ट्राइएक्सियल एंकल बम्पर्स पे लगे होते हैं, तो ये भी मूवमेंट इसमें प्रदान होती है। और इसकी जो लेंथ है ये फुल लेंथ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और थिक है, तो 100 kg वेट लिमिट के साथ, और साथ साथ फुट की जो साइज है वो 21 cm टू 30 cm लेफ्ट राइट में आते हैं। इसमें जो है दो तरह के फुट सेल भी हैं, एक जो है स्लिम फिट नैरो होते हैं, एक जो है ब्रॉड टो बॉक्स के साथ भी होते हैं। तो इसमें जो है स्प्लिट ऑप्शंस हैं कि आप सैंडल भी पहन सकते हैं। तो ये जो हमारा फुट है ये K3 लेवल का फुट है, इसमें जो है काफ़ी स्टेबिलिटी मिल जाती है, चारों मूवमेंट मिल जाती है, और साथ साथ जो है ये लो प्रोफाइल की फुट है, जो कि मैक्सिमम लोगों को, अगर आप मान लीजिए लॉन्ग स्टम्प है तो उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और आप आसानी से इसको इंडोर, आउटडोर और नॉर्मल डेली एक्टिविटी का रूटीन का काम आसानी से कर सकते हैं। ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी है प्राइस वाइज, साथ साथ जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ एक्स्ट्रा बम्पर्स भी आते हैं कि इन फ्यूचर आपकी बम्पर्स अगर घिस जाते हैं तो आप इस बम्पर्स को यूज कर सकते हैं और सेल्फ रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। साथ साथ इसमें स्पेक्ट्रा शॉक्स होता है, जो कि कार्बन प्लेट और फुट सेल के बीच में घर्षण को रिड्यूस करने के लिए, ये स्पेक्ट्रा शॉक्स शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। तो आपने देखा कि ये जो हमारी K3 लेवल की फुट है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी ड्यूरेबल क्वालिटी का K3 लेवल का इकोनॉमिकल फुट है ऑशर ब्रांड में। आपको इससे और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो में दिए गए संपर्क सूत्र पे कांटेक्ट करके विशेष इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।